नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलडोजर पर सियासी संग्राम। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला बोला। उनके बयान के बाद सियासी लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, उस पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बरसते हुए वो नजर आए हैं और आपको बता दें कि लगातार बुलडोजर को लेकर जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, एक तरफ हमने वो बयान भी सुना जब अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ये बुलडोजर का रुख जो है अब वो गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको ऐसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा, ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। और आज ये लोग फिर से, और ऐसे में अखिलेश यादव ने भी सीएम के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम को हमारे डीएनए की बहुत चिंता है, यूपी की जनता कब बुलडोजर की स्टेयरिंग बदल देगी ये किसी को नहीं पता। क्या कुछ कहना रहा अखिलेश यादव का, जरा आप सुनिए। कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग हमारे पत्रकार साथी, आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे कि हमारे मुख्यमंत्री। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कब स्टेयरिंग का रुख बदल दे ये किसी को नहीं पता। लगातार बुलडोजर को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव का बयान सामने आया तो उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया, और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांट रहे थे अभ्यर्थियों को, और उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में जो है बुलडोजर का जिक्र किया, और उसके बाद से वापस अखिलेश यादव फिर से बरसते हुए नजर आए। यानी कि साफ तौर पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और उस चुनाव में अखिलेश यादव यह दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और समाजवादी पार्टी की जैसी सरकार बनती है और उसके बाद यह बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। सीधा लखनऊ का रुख करते सहयोगी वर्षा मासा जुड़ चुकी है। वर्षा, लगातार सुबह से हम देख रहे हैं बुलडोजर पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर में ना दिल होता है ना दिमाग, स्टेयरिंग होता है, और जनता को पता है कि स्टेयरिंग का रुख किस तरफ करना है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से बुलडोजर को लेकर लगातार वार किए जा रहे हैं, जिसमें कल अखिलेश यादव ने पहले गोरखपुर की बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का मुख हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने भी आज जिस तरह से उन्होंने लोकभवन के कार्यक्रम में कहा कि बुलडोजर को चलाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए क्षमता होनी चाहिए, उसको लेकर अखिलेश यादव ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि क्षमता की जरूरत नहीं है, वो सरकार बनेगी तब भी हम उसका मुख गोरखपुर की तरफ करेंगे। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बुलडोजर को लेकर आया है कि अपराधी सिद्ध होने के बावजूद भी बुलडोजर चलाना ये कोई नियम नहीं है, इसको नहीं देखना चाहिए, तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पक्ष दोनों एक तरह से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि ये वार प्रतिवार होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक एक जवाब को लेकर वो कहीं ना कहीं सतर्क भी थे और लगातार वो बयानबाजी भी कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव देख रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि कैसे सपने हम देख रहे हैं, हम हकीकत में जीते हैं, हम सपनों की बात नहीं करते, और ऐसे ही कई बयान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। बिल्कुल वर्षा, यहाँ पर सही है आपने कहा कि लगातार जो बयान सुबह से आ रहे, इसी बीच ओपी राजभर का बयान सामने आया था, उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश जरूर दे दिया है कि चाहे विपक्ष कुछ भी कहे ये कार्रवाई थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ से जिस पूरा एक ब्यौरा जमा किया गया कि जैसे संपत्ति देखी जाती है तब उसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई होती, वैसे ही ओपी राजभर ने अपने तरफ से बयान दिया कि ये बुलडोजर की कार्रवाई कहीं भी रुकने वाली नहीं है, बल्कि जो भी माफिया है, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर ये कार्रवाई चलती रहेगी। वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने चीज साफ कर दी कि शायद 2017 से पहले माफिया कौन था ये उन्हें भी पता है, मतलब वो साफ साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर इंडिकेशन लगाते हुए ये साफ कर रहे हैं कि अगर आप हमें माफिया कहेंगे तो हम भी आपको कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे माफिया कहते हुए, या आप बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर करेंगे। क्योंकि कई सवाल न्यूज़ ऑन इंडिया की तरफ से पूछे गए अखिलेश यादव से, जिस पर अखिलेश यादव ने जवाब देना नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फंस भी रहे थे, उन सब चीजों से उलझ रहे थे कि आखिर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव बहुत ही सोच समझ के अपनी चीजें चल रहे हैं, लेकिन
बयानबाजी पर वो बार नहीं आ रहे, वो लगातार बयानबाजी करते जा रहे हैं। ठीक वर्षा, लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा आपका। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से एक के बाद एक कई बयान सामने आ चुके हैं बुलडोजर को लेकर। तो वही बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम योगी के बयान का अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने समर्थन किया है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने स्वामी चक्रपाणी महाराज से खास बातचीत की, क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया कि 2027 में सरकार बनते ही यूपी के सारे बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है कि सबके हाथ में बुलडोजर फिट नहीं बैठता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी है। सर महाराज जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है, इस बयान को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? नहीं देखिए, सवाल इस बात का है कि योगी जी ने जो बोला वो ठीक बोला। देखो, कोई अपराधी है, कोई आतंकी है, कोई क्रिमिनल है, कोई बलात्कारी है, तो सबसे पहले जो बुलडोजर की ये वो हुआ है, पहले इसे कहाँ करते थे? ये तो आतंकियों का समर्थन करने वाले विपक्षी थे, जो अखिलेश जी भी हैं, ये तो बच्चों से गलती हो जाया करते वाले विचारधारा के अगर रेप हो जाता है तो निश्चित रूप से जो जिसके पास खोने को कुछ नहीं है वही कुछ राष्ट्र के लिए धर्म के लिए कुछ करेगा। ये तो अपनी प्रॉपर्टी बनाने में लगे रहे, तो मेरा ये तो नाच कराने में लगे रहे वहाँ पे जो होता था उनके यहाँ सैफई में। तो मूल विषय ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि अगर अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है तो अखिलेश यादव जी को दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई अपराधियों पे चल रहा है तो इनको खुश होना चाहिए, तो इनको दर्द हो रहा है, तो यह तो अपने आप में इंगित करता है। और अपराध तो कोई भी करे, अब देखिए अयोध्या जी में एक समाजवादी पार्टी का था, 12 साल की बच्ची को जिहादी ने रेप किया और उस पे वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, उन्होंने उसकी बस डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जब तक डीएनए टेस्ट हो गए तो बैटर वो दबाने वाली बात होगी। तो बुलडोजर तो निश्चित रूप से इससे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मन में दर्द है, दहशत है, तो ये होना चाहिए डर और दहशत। अगर जो यही तो राम राज में था ना कि अपराध जो है ख़त्म हो और अपराधियों के अंदर दहशत हो कि हमें सज़ा मिलेगा, सज़ा अगर नहीं तो सही हो तो फिर तो अपराध बढ़ेगा, तो इसलिए ये ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो लोग दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे वो बुलडोजर के सामने पस्त नज़र आ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा। अब अपराधियों के अंदर तो डर है ही है, भय है ही है, लोग तो वो जेल में सुरक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं जो अपराधी हैं। कई बार वो वीडियो बनाते हुए जाते हैं कि कहीं वो ढेर ना हो जाए, पहले तो अपराधी बेखौफ होते थे, तो अब तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी बेटियां बहनें सुरक्षित हैं। और अगर जो बेटियां बहनें सुरक्षित हैं और उनको ये परेशानी हो रही थी, दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप स्वामी चक्रपाणी को सुन रहे थे, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले बयान का समर्थन किया है। विजिलेंस राज के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वही सीएम योगी और अखिलेश के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर जनता की क्या राय है और जनता बाबा के बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, जरा सुनिए। ये क्या हुआ यूपी में? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इशारों इशारों में धमकी दे दी, कह दिया और ट्वीट किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। बाबा को सीधे सीधे तौर पर धमकी दे रहे अखिलेश यादव। अब योगी जी ने भी उस पर पलटवार कर दिया। योगी जी ने कहा है कि भैया बुलडोजर चलाने के लिए जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए, बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जनता का क्या मिजाज है, जनता क्या सोचती है बहराइच की, सीधा उनसे बात करते हैं। धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव बाबा को, कह रहे हैं कि 2027 में सरकार बनेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर हो जाएगा। समाजवादी पार्टी का, पूरी पार्टी का ही काम ही इस तरीके से है कि केवल माफियाओं की पार्टी है, ये ग्रुप है, ये एक गैंग है, ये समाजवादी कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये गुंडे माफियाओं की जो है गैंग है। तो ये धमकी तो इनका देना आम बात है, इनके पिताजी भी यही हरकत करते थे, यही काम ये भी कर रहे हैं। अभी तक इनका बचपना नहीं गया है कि किसी मुख्यमंत्री से किसी राजनीतिक दल के बारे में क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है अखिलेश जी को अभी थोड़ा सा उम्र और
हो जाए तब उनको राजनीति करना चाहिए। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसको धमकी दे रहे हैं, खुलेआम वो धमकी दे रहे हैं, और योगी जी महाराज को, जिनके पीछे उत्तर प्रदेश की सारी जनता हाथ जोड़े खड़ी हुई है, उस व्यक्ति को आप धमकी दे रहे हो, काहे किस बात की धमकी दे रहे हैं वो, ये उनको सपना आ रहा है अभी। तो ट्वीट किया बस, और ट्वीट में लिखा है कि 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अरे 27 में कैसे होगा, क्या उनकी सरकार आ रही है? सपने दिन में भी देखने लगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कहीं से सरकार उनकी नहीं आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे अच्छा उत्तर प्रदेश के लिए कोई मुख्यमंत्री नहीं है। कैसे बन जाएंगे जब जनता उनको वोट देगी, तो दो चार सीटें सांसद की जीत गए बस वो सपना देखने लगे, इससे कुछ होना है क्या? दिल्ली में बहुत बिगाड़ ली, क्या बिगाड़ लिए? मोदी जी बैठे तो हैं वहां पे, एक रत्ती भी टेढ़ा हुआ हो तो बताइए, और मजबूती से दिल्ली में सरकार चल रही है, जो चाहेंगे वो करेंगे मोदी जी, वही उत्तर प्रदेश में होगा। सपन देख रहे हैं अखिलेश यादव, ये मुगलिया सल्तनत का खून है उनके अंदर, इसी तरीके की भाषा वो बोलेंगे, चूंकि उनके अंदर जो रक्त संचार हो रहा है वो जैसे मुगलों में था। क्या है, क्या बोले? बौखलाहट है उनके आदरणीय पिता, उनके पिताजी जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक शब्द कहा था कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, तो ये बौखलाहट है, साफ साफ दिख रही है, और 27 में कहीं दूर दूर तक वो नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वो बौखला तो कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का रुख उधर कर देंगे। अरे भैया 27 में मौका पाएंगे तब तो कर देंगे। हाँ, अंधे के हाथ बटेर वाली। कहाँ बोले भैया? एक कहावत है कि एक अंधा व्यक्ति गांव में रहता था, तो उसकी बहू उसको कहती थी कि जब आप कंडा बीन के लाओगे, कंडा उपला समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं, कंडा उपला को बोलते हैं। जब कंडा लेके आओगे तभी आपको भोजन मिलेगा। एक दिन वो गया तो उसको बटेर, एक पक्षी होता है, बटेर पक्षी होता है छोटा सा, जी जी जी, वो मिल गया, तो वो लेके आया, बहू बहुत खुश हुई, तो उसने उस दिन उनको पूरा खाना दिया। फिर अगले दिन से वो बार बार कहने लगे, बहू कंडन जाए कि बटेरन, रोज पूछने लगे। वही कर रहे हैं अखिलेश यादव भी, क्योंकि उनकी जो कांग्रेस, जो उनका गठबंधन है, अभी आपसे भी मिलने जा रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा पेपर में, तो यही कंडन जाए कि बटेरन वाली व्यवस्था में वो लगे। मैडम ये बताइए अखिलेश, हाँ जी बताएं। बताइए अखिलेश जी की तो पहले भी सरकारें बनी थी, तब उन्होंने बुलडोजर का नाम नहीं लिया, अभी तो बुलडोजर का बहुत विरोध कर रहे थे, अब वो सेम वही काम गोरखपुर की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? जहाँ उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ जाके देखें, सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है बुलडोजर उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी चलाने की जरूरत है। जय बात, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है शायद कि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके शायद गलती कर दी, क्योंकि 27 तो बहुत दूर है, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा के बुलडोजर का रुख भैया सफाई की तरफ हो जाए, यही इशारा कर रही है सफाई की तरफ हो। बुलडोजर का काम जो है वो दूसरा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं योगी जी को लाइक करते हैं तभी उनका बुलडोजर फिर से आप सामने ला रहे हैं, आप जनता का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, पर योगी जी का मात्र वर्ग जो भी था, जो भी काम उन्होंने किया, कोई गलत लोगों के घर नहीं उन्होंने ढाए हैं। हाँ, अगर उनका बुलडोजर गुंडों और माफियाओं के विरुद्ध रहा ना, बुलडोजर का रुख तो गुंडों और माफियाओं के विरुद्ध रहा, बुलडोजर का रुख किसी समाजवादी के प्रति तो था नहीं। मंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था और बेहतर कानून व्यवस्था प्रणाली को लेकर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि भैया पहले सफाई बचा ले अपना, कहीं ऐसा ना हो कि 27 से पहले सफाई की तरफ ही बाबा का बुलडोजर चला जाए। ये जनता की राय थी जो आपके सामने थी। वीडियो जर्नलिस्ट अमनीश पवार के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, बहरा।